नट बोल्ट को वॉक पे लेके जाना है। सबसे बड़ा काम यह होता है कि उनको वॉक पे लेके जाना होता है। आज जल्दी उठ गया, नहीं 7 बजे उठता था, लेके जाता था उन दोनों को। वो भी कहते थे सोए रहो, हम भी सोए हैं। मेरी आंखें छोटी दिख रही हैं, सो के उठने के बाद छोटी दिखती हैं क्या? करने तो दोनों गुस्सा हो जाएंगे। नट बोल्ट उन्हें भी टहलाना भी बहुत जरूरी है। रुक जा बे, हटो बाहर चलो। हाँ अभी चल, जूता, जबकि जूते कैसी तैसी हो चुकी है, छत पूरा गया है सर। ए नट, तू उठा कर दो, उठा कर दो रस्सी अपनी। नट तुम बहुत बदतमीज हो। वेरी गुड नट, तुम भी दो, तुम भी दो रस्सी दे। समझ नहीं आ रहा बहरे, ये लग रहा था यही सुने गया। चलो 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 चलो, अरे छोड़ो से, चलो चल 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 चल। अब ये छुटकू आ जाओ नट। नट बोल्ट को वॉक से लेकर चला आया हूँ, और नींद में ही गया था, नींद में आया। अब चल रहा हूँ घर की सफाई करने के लिए। क्यूरियन साफ करने के लिए स्क्रबर, एक्चुअली बर्तन धुलने वाला था, उसको लिए नया निकाल दिया, ये मैं यूज़ कर लेता हूँ क्यूरियन साफ करने के लिए। बड़ा गंदा हो गया यार। वैसे इन लोग को इसमें रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा सा इन लोग ढक भी जाते हैं। ओ माई गॉड, कैसे साफ करूँ। हो गया एक्वेरियम साफ। देखिए अब क्या होगा ना, अगर कोई पूछेगा कि ये पत्थर इतने गंदे क्यों हैं, तो बोल दूंगा इसको मैंने ऐसा बनाया हुआ था कि नेचुरल वाली फीलिंग आती रहे मछलियों को। फटे फटे, काम बन गया ना, काम बन गया समझे बोल्ट, काम बन गया दोस्त, काम बन गया। इसमें वैसे वीडियो बनाता हूँ, देख लो भाई ऐसे बनाता हूँ मैं, हमेशा हाथ से बनाता हूँ। आज तो वैसे ही क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वाला ट्राइपॉड जो है, दूसरा काम ये है कि अपना पूरा कंप्यूटर, अरे कहाँ जा रहा है, ये पूरा अपना कंप्यूटर सेटअप जो है इसको साफ करना है। सर तो वायर मैनेजमेंट नहीं है ना, फंस जाता, करने का मन भी नहीं करता, लेकिन करना तो पड़ेगा यार, गंदा होता है करना पड़ता है। एक तो खुला खुला बना रहता है घर भी, ये देखो ना ये दरवाजे से, उसके बाद इधर इतनी बड़ी खिड़की दरवाजा, इधर इतनी बड़ी खिड़की, कहीं ना कहीं खुला रहता है, धूल आता रहता है। मेरी दाढ़ी पक गई है क्या? चलो कोई नहीं, पकने दो। ये देखो साफ।
साफ कर दिया कलर के साथ। चल जा। से लगा हूँ मैं, कितने 6 बजे का उठा हूँ। मैंने साफ कर दिया अपना सेटअप, ये देखो दिख रहा है। मम्मी पापा लोग कब आएंगे, मिठाई लेकर आएंगे। जौनपुर की प्रसिद्ध है बेनी साहब की मिर्ती, मैंने बोला हुआ पापा से कि पापा लेकर आइएगा। नेट जो कमीना है ना, रूम में सोया था, ये देखो क्या कर डाला इसने, इतना इसने निकाल दिया बाहर। इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बच गया बच गया। ये रहा मेरा चाय, ये रहा दूध, ठीक है उबल गया, डाल दो। ये रहा मेरा चाय, ये रहा पार्ले बिस्कुट, ये रहा जीरा चाय के साथ खाने वाला, और मैं अकेले पार्टी कर रहा हूँ। पापा भैया लोग आ गए हैं, चल देखते हैं। कौन आया? पापा आ गए, भैया आ गए, मम्मी आ गई। भैया क्या बेटा, क्या क्या क्या? अरे चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 जरूर नहीं, चलो लिया हूँ। नेट को पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, इधर इधर आओ। देखो आप है, पापा आ गए, मम्मी भैया सब आ गए हैं, और नट बोल काफी दिनों बाद मिल रही है, देखिए दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बोल नट, कौन आया? कहाँ नट, इधर आ जाओ। खेल लीजिए खेल लीजिए, बेचारों के साथ इतने दिन बाद आए हुए हैं। अरे नट काटता नहीं है, उसी के साथ खेलिए, ऊपर से मत खेलिए। पैरों चोट लगी है, कैसे ज्यादा नाच ली इसलिए? ये रहा मेरा हेलमेट, और ये मैं। तो अब दुकान पे जाने की बारी आ गई है, सब लोग आ गए हैं, खाने पीना हो चुका है, सॉरी सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है, बस मुझे खाना बाकी है। मैं भी खाना खा करके अब तुरंत निकलूँगा यहाँ से, जल्दी पहुँचना है दुकान पे, आज वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। तो चलो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी जल्दी से खा के निकलना है मुझे, बाय। इतनी कॉम कर चुकी हूँ मैं।